पांच अध्याय का एक से लेके ग्यारह तक, वही हम लोग का सब्जेक्ट है। हनन्या नाम एक मनीष था, उसकी पत्नी सफीरा में कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पापों के आगे रख दिया। पत्रस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में एक बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। प्रभु की नाम का महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग का ये सब्जेक्ट का पांच अध्याय एक से लेके ग्यारह तक अनन्या और सफीरा के बारे में आप लोग को देखने से सबको सुपरिचित वचन है। प्रेज द लॉर्ड। उन लोग के बारे में आप लोग को देखना चाहेगा तो उन लोग का, प्रेज द लॉर्ड, वो परिवार और बहुत अच्छा परिवार था। उन लोग का पारिवारिक जीवन भी अच्छा होके जीवन बिताया है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी काम करते तो दोनों पति पत्नी मिलकर के बात करने के बावजूद भी कोई भी डिसीशन लेते हैं। आजकल हम लोग को देखेगा तो झारखंड हम लोग का बीच में भी, हम लोग का गाँव में भी देखेगा तो बहुत पति पत्नी का जीवन में ऐसे नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पति कुछ करेगा तो पत्नी को नहीं जानती, पत्नी कुछ कर रहे तो पति को कुछ जानते हैं। और मैं बहुत जगह पर जाता हूँ, इसलिए किसी से और अपना घर में जाकर के पति से पूछेगा और भाई से पूछेगा आपका पत्नी कहाँ है, तो और पति उत्तर देता है क्या मालूम नहीं, है ना। ऐसे ही हम लोग को उत्तर मिल जाता है। पत्नी से अगर पूछेगा और दूसरा घर में जाकर के आपका पति कहाँ है, तो पत्नी पूछेगी मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या है? आपस में तालमेल नहीं है, आपस में एकता नहीं होने का कारण वही हो जाता है। परमेश्वर ने विवाह को स्थापना किया, विवाह को और स्थापना करने के बावजूद एक साथ रहने के लिए परमेश्वर ने बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही इन दिनों में एकता हम लोग का घर में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एकता को तोड़ने के लिए शैतान बहुत कोशिश, बहुत चलाकी करेगा, लेकिन उसका चलाकी में हम लोग को नहीं फंसना चाहिए। चलाकी से हम लोग आगे निकलना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है, साथ साथ प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु पर आशा लगाते हुए जीवन बिताना है। प्रभु वही हम लोग के लिए चाहते हैं, इसलिए प्रभु यीशु ही हम लोग का और हम लोग को छुड़ाने के लिए स्वर्गलोक महिमा छोड़कर इस संसार में प्रभु ने आया है। प्रभु हम लोग को बचाने के लिए, हम लोग एक साथ मिलकर रहने के लिए, एक राख के साथ रहने के लिए प्रभु ने आओ इसे मौका प्रभु ने हम लोग के जीवन में दिया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में पांच अध्याय आप लोग को पढ़ने से वो परिवार में एकता था। भला ही लोग झूठ बोले हैं, बाल बच्चा है, एकता है। इन दिनों में हम लोग के जीवन में एकता चाहिए, प्रार्थना में एकता के साथ प्रार्थना करना चाहिए। कभी कभी हम लोग को प्रार्थना करेगा पति अकेले प्रार्थना करेगा एक रूम में, और पत्नी अलग रूम में प्रार्थना करेगा, बच्चे लोग तो अपना मनमानी। ऐसे नहीं होना चाहिए। शाम का समय में, सुबह के समय में हम लोग एकता के साथ सब बच्चे लोग को भी बैठा करके एक मन हो करके प्रार्थना करे, वही हम लोग का जीवन में आशीष का कारण हो जाता है। वो परिवार मसीह परिवार कहला जाता है, वो परिवार में परमेश्वर का आशीष हो जाता है। वैसे प्रार्थना इन दिनों में हम लोग करने से कोई भी रुकावट, ऐसे ऐसे परेशानियां, ऐसे ऐसे संकट हो, ऐसे ऐसे बीमारी हो, ऐसे ऐसे और समस्या आ जाने से भी और आसानी से हम लोग को निकल सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोग के जीवन में कोई भी है एकता होना चाहिए। एकता, एकता नहीं है तो प्रभु का सेवा भी, प्रभु का काम भी, परिवार भी हम लोग को नहीं चलेगा। इसलिए इन दिनों में एकता के साथ काम करे, तब परमेश्वर हम लोग के जीवन में आशीष करूंगा। ये प्यारे परिवार का बारे में आप लोग देखने से वही हम लोग को मिल जाता है। और उन लोग आदिम शताब्दी में, अपोस्तलिक के समय में और पेंटिकोस्ट का दिनों का समय में, वो दूसरा अध्याय आप लोगों को प्रेरितों के काम आ जाएगा, तो पेंटिकोस्ट का दिन आया तो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के कलीसिया बढ़ने लगा है। उसके बाद पांच अध्याय का कुछ दिन का पश्चात है कलीसिया बहुत आत्मिक उन्नति, आत्मिक आशीष, आत्मिक अनुग्रह, आत्मिक अभिषेक और कलीसिया में होने लगा है। लोग कुछ सोचा है, ये परिवार बहुत धनी परिवार थे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वो परिवार में दोनों मिलकर के बच्चों के बारे में नहीं है, नहीं लिखा है, और हो सकता है
कुछ भी हो, लेकिन वो लोग अपने मन में सोचने लगा है इतना धन संपत्ति में क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम के लिए कुछ क्यों ना देगा। प्रेज द लॉर्ड, कुछ करने के लिए विचार आपस में किया। प्रेज द लॉर्ड, तो कोई भी काम कर रहा है तो पति से ही पूछ के ही कर रहा है। पत्नी आपस में बात करके मन में सोचा, घर में बढ़िया से बात करके एक निर्णय लिया है, जाऊंगा, दे दूंगा, बेचूंगा, उसी में से करूंगा, जो करना है सब कुछ प्लान के मुताबिक, जो बैठ करके बात किया कैसे करना है, किस प्रकार करना है, सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक जो किया है। प्रेज द लॉर्ड, इन दिनों में हम लोग का परिवार में किस प्रकार है, जो भी काम कर रहा है, जो भी काम करने के लिए जा रहा है, जो भी काम प्रभु का काम कर रहा है, नहीं तो अपने व्यक्तिगत काम कर रहा है, और आपस में परिवार में बातचीत करके और परिवार में पूछने के बावजूद जाते हैं, पूछने के बावजूद आप निकलता है, तभी हम लोग का परिवार में आशीष हो जाता है, नहीं तो झगड़ा हो जाता है। सभी लोगों को मालूम है, प्रेज द लॉर्ड, झगड़ा नहीं होना है, एक कदम के साथ प्लानिंग के साथ जीवन बिताए, तब हम लोग का जीवन में आशीष हो जाता है। यही पर सब्जेक्ट है, उन लोग का भूमि है, उन लोग का जमीन में से कुछ बेचा, पूरा नहीं बेचा है, उसी में से कुछ बेच दिया, बेचने के बावजूद अपने मन में सोचा है, दोनों आपस में बात किया, वो पैसा तो प्रभु का नाम का महिमा के लिए परमेश्वर का भक्त दास को, नहीं तो कलीसिया में आकर के दे देंगे। प्रेज द लॉर्ड, कलीसिया में देने के लिए और विचारा है, और कलीसिया में आकर के पूरा दे देंगे, सोच लिया है, वो तो पहले से सोच लिया है, परमेश्वर के लिए उतना दे देंगे। प्रेज द लॉर्ड, इन दिनों में परमेश्वर के लिए हम लोग दे रहे हैं कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, अपना समय दे रहे हैं, ठीक है, आराधने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपना पैसा जो कमाई है उसका 10 में से एक प्रभु का है। 10,000 आप कमाया है, 1,000 किसका है, प्रभु का है। प्रेज द लॉर्ड, 1,000 प्रभु का कलीसिया में देना है।